हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ पैरामीटर्स और उनके यूनिट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है लेंथ, मास और टाइम। इन चीज़ को गिना जाता है। लेंथ को गिना जाता है मीटर में, मास को गिना जाता है किलोग्राम में, और टाइम को गिना जाता है सेकंड्स में। और ये जो इनकी यूनिट्स है, ये है इनकी SI यूनिट्स, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। यही यूनिट्स ऑल ओवर वर्ल्ड ज़्यादातर एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिर्फ करंट भी इसे कह सकते हैं। इसे हम गिनते हैं एम्पियर में। करंट को हम गिनते हैं एम्पियर में। इसका सिंबल है A। इलेक्ट्रिक करंट को हम गिनते हैं एम्पियर में। टेम्परेचर, टेम्परेचर का हमें एक यूनिट तो पता है डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसका SI यूनिट होता है केल्विन। केल्विन होता है टेम्परेचर का SI यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी गिना जाता है कैंडेला में। लुमिनस इंटेंसिटी गिना जाता है कैंडेला में, और इसका शॉर्ट फॉर्म है CD। लुमिनस इंटेंसिटी गिना जाता है कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो वेट होता है, वॉल्यूम होता है, वो किस चीज़ में देखते हैं? वो देखते हैं हम मोल में। ये मोल में गिना जाता है। इसका सिंबल है M। सब्सटेंस का अमाउंट गिना जाता है मोल में। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। हम फ्रीक्वेंसी को गिनते हैं हर्ट्ज में। इसका सिंबल है H z। फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और इसका सिंबल है N। फोर्स की यूनिट है न्यूटन। प्रेशर, प्रेशर को हम किस में गिनते हैं? प्रेशर को हम गिनते हैं पास्कल में। पास्कल, प्रेशर को हम गिनते हैं पास्कल में। इसका शॉर्ट फॉर्म है PA। नेक्स्ट है एनर्जी, या फिर वर्क। इसको हम गिनते हैं जूल में। एनर्जी या वर्क का यूनिट होता है जूल। इसका सिंबल है J। पावर, पावर को हम किस चीज़ में गिनते हैं? हम इसे गिनते हैं वॉट में। पावर की यूनिट है वॉट। इसे जेम्स वॉट ने किया था डिस्कवर, इसलिए इसका नाम पड़ा है वॉट। और इसका सिंबल है W। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम गिनते हैं वोल्ट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम गिनते हैं वोल्ट में। इसका सिंबल है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिनते हैं हम वोल्ट में। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम गिनते हैं ओम में। ओम, ये होता है ओम का सिंबल। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम ओम में गिनते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम गिनते हैं वोल्ट में। क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये हम चार्ज, या फिर आप इसे सिर्फ चार्ज कह सकते हैं। चार्ज के C से आप याद रख सकते हैं इसे, कूलम। चार्ज हम देखते हैं कूलम में। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका यूनिट है फैराड, FARAD। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड, और इसका सिंबल है F। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट है सीमेंस, SIMENS। इसका सिंबल है S, CS। कंडक्टेंस का यूनिट है सीमेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। इसका सिंबल है W और स्मॉल B। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है टेस्ला, टेस्ला। इसका सिंबल है T। एक था सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका था वेबर, और एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जिसका है टेस्ला। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी।
इसे एच से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। ल्यूमिनस फ्लक्स, इसे हम गिनते हैं ल्यूमेन में, ल्यूमेन। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेन, इसका सिंबल है LM। इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस को हम गिनते हैं लक्स में, LUX, इसका सिंबल है LX। एक था ल्यूमिनस फ्लक्स जिसका था ल्यूमेन, और एक इल्यूमिनेंस जिसका है लक्स। तो चलिए आइए रिवाइज करते हैं। मेन मेन जो है सब इसमें लिस्ट पूरी दी गई हुई है। सबसे पहले देखा था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज़। फिर देखे थे हमने फोर्स का, फोर्स का है न्यूटन, फोर्स का न्यूटन। फिर प्रेशर का था पास्कल, एनर्जी का था जूल, पावर का था वॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का था ओम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का था कूलम, चार्ज के सी से कूलम, कूलम। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का था फैरेड, FARAD। कंडक्टेंस का था सीमेंस, SIEMENS। मैग्नेटिक फ्लक्स का है वेबर, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का है वेबर और उसके डेंसिटी का है टेस्ला। इंडक्टेंस का है हेनरी, इंडक्टेंस का है हेनरी। ल्यूमिनस फ्लक्स का है ल्यूमेन, और इल्यूमिनेंस का है लक्स। तो आप इसे फिर से देखिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ये आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू। और इसके आगे भी अच्छे वीडियोस आने के लिए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।